हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारे सत श्री अकाल, नमस्ते। और गाइस, मॉर्निंग का टाइम है, 6:30 हो गए ने। अरे देखो सूरज, और सूरज निकल रहा है। तो आज मैं मॉर्निंग में ही टेरेस पे आई हूँ। सूरज देखिए कैमरे में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, तो सब पक्षी बर्ड्स वगैरह की आवाज़ें आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिन के बाद मैं टेरेस पे आई हूँ मॉर्निंग के टाइम, और क्योंकि बहुत ठंड होती थी इसकी वजह से मैं आती नहीं थी, तो आज भी मैं आई हूँ क्योंकि मुझे टेरेस की सफाई करनी थी। बहुत गंदा हुआ था, विंटर में हमने आग वगैरह जलाई थी तो बहुत ही गंदा था। आज मैं इसको क्लीन करूँगी। टेरेस की सफाई मैंने कर ली है, झाड़ू लगा लिया था और जो भी कचरा था वो बैक साइड में फेंक दिया है, और मैंने प्लांट्स को भी पानी दे दिया है, और जो भी था जो छोटी छोटी वो लकड़े पे ही उनको साइड में कर दिया था। तो पूरी क्लीनिंग मैंने कर ली है। अभी मुझे नीचे जाना है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, बट उससे पहले मैं ना वॉक करूँगी। और जो सामने खेत देखिए, खेत में जैसे हल्का गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो गेहूँ अभी बाकी 1-2 महीने में पक जाएगी, एकदम गोल्डन हो जाएगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे ये खेत भी गोल्डन होते जाएंगे। सूरज की तरफ मोबाइल करें तो ये अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा। अभी नीचे आने के बाद मैं बना रही हूँ मक्खन। मलाई पड़ी हुई थी तो उसको मैंने इसमें डाल के चम्मच की मदद से मक्खन बना रही हूँ। जहाँ पे मैंने फ्रेश पालक ली है तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 3-4 पानी में। तो अभी इसकी कटिंग करूँगी। ये मैं लंच के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ना दाल, एक कटोरी दाल ली थी उसको डाल दिया था, और हल्दी लहसुन और हल्दी और नमक वगैरह डाल दी थी दाल में। तो अभी पालक को मैंने कट कर लिया है, तो कट करके इसमें डालती जा रही हूँ। आपने पालक पनीर तो बहुत खाया होगा ना आज, बट मैं बना रही हूँ दाल पालक। और यहाँ पे हमने प्लांट्स लिए थे, हाइब्रिड वाले हैं। ये लौकी का है, वो दूसरा वाला तोरी का था। तो जहाँ पे देखिए पालक, दाल पालक बन गई है, तो इनको मैं तड़का दे दूँगी। अभी दोपहर का टाइम हो गया है। जहाँ पे मैंने लहसुन अदरक मिर्ची सब ले लिए, इसका मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तो सुबह मैंने बॉईल कर लिया था, उसके बाद घर के काम जो थे वो सब किए, तो यहाँ पे तड़का दे रही हूँ अभी दाल पालक को। तो नमक मैंने पहले डाल लिया था, अभी चेक कर लेंगे अगर ठीक हुआ तो नहीं करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मस्त दाल पालक। और आज संडे है, संडे के दिन बहुत सारे काम रहते हैं, पूरा दिन बिजी ही रहती हूँ। और अभी ये दोपहर का टाइम है, तो बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। वैसे तो इतनी गर्मी थी, बट अभी ऐसे इतना ठंडा मौसम हुआ है, मत की हवा चल रही है अच्छे से। और ये जो है ना पालक है, तो अभी मैं ये ऊपर आई हूँ, ऊपर का हाल देख के बरसात आ गई थी, उसके बाद हवा के बाद ये देखिए जो कनक है ना पूरी उथल पुथल हो गई है। तो ये देखिए जैसे एकदम खड़ी थी कुछ सुबह मॉर्निंग में, तो अभी जैसे बरसात आई तो गिर से गए प्लांट कण गेहूँ के। और ये हमारे घर के बैक साइड है जहाँ पे न्यू होम बनने जा रहा है,
अभी काम स्टार्ट है तो बहुत आवाज़ें आती है। आज काम बंद है क्योंकि बरसात आ गई थी, इसके लिए जहाँ पे काम नहीं हो रहा। तो मैं टेरेस पे हूँ, बहुत ठंडी ठंडी अभी भी हवा चल रही है। आसमान में देखिए पक्षी, इनकी आवाज़ें बहुत अच्छी लगती है और बहुत ठंडा, बहुत दिन के बाद ठंडा मौसम हुआ है। बहुत गर्मी हो गई थी, इतनी सर्दी के बाद इतनी गर्मी, और ये पूरा खेत देखो। और अभी मैं जाती हूँ नीचे क्योंकि चाय का टाइम हो गया। ये देखिए, ये है टमाटर का प्लांट, इसको भी फूल आ गए। मैंने इसको 10-12 दिन हुए इसको लगाकर, तो अभी इसमें देखिए फूल भी आ गए। अभी यहाँ पर टमाटर लगेंगे। और ये देखिए क्लांचो का फ्लावर, इसके ऊपर भी रेड कलर के फ्लावर आ गए, बहुत प्यारे लगते हैं। और आज तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी प्लांट्स को, सबको देखो अच्छे से पानी मिल गया है। अभी वो छोटे छोटे हैं प्लांट्स, बड़े हो जाएंगे बस 15-20 दिन में। और अभी मैं करती हूँ स्टिचिंग, मुझे आज मैंने 2 कुर्ते रेडी कर लिए हैं। अभी मुझे सलवार और प्लाजो भी सिलना है क्योंकि ये अर्जेंट ड्रेस है किसी का, तो ये है सलवार की कटिंग की, इसको पहले स्टिच करूँगी, उसके बाद मैं प्लाजो स्टिच करूँगी। तो इसका मैं धागा ढूंढ रही हूँ, मुझे लगता धागा नहीं है तो मैं भी राजवीर से धागा मंगवा लेती हूँ।